हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास नाइन्थ मैथ्स चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स की थ्योरम 7.5, जो कि है RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। हम इससे पहले थ्योरम 7.4 पढ़ चुके हैं, जो कि SSS कॉन्ग्रुएंस रूल वाली थ्योरम थी। अगर आपने वो थ्योरम ना पढ़ी हो तो आपको आई बटन पे ऊपर लिंक मिल जाएगा, आप ज़रूर उसे जाके पढ़ना, इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो। ठीक है, तो ये वाली थ्योरम हम स्टार्ट करते हैं। If in two right triangles the hypotenuse and the one side of the one triangle are equal to the hypotenuse and the one side of the another triangle, then the two triangles are congruent. तो इसमें क्या बोला गया है कि दो right triangles हैं हमारे पास। ठीक है, दो right triangles हैं, मैं बना देती हूँ यहाँ पे। देखो मैं यहाँ पे दो right triangles बनाती हूँ यहाँ पे सबसे पहले। ओके, तो ये वन एंड दिस इज टू। ठीक है, ओके, ये मैंने दो राइट ट्राइंगल्स बनाए हैं, मैं इसका नाम रख देती हूँ ए, बी और सी। ठीक है, और राइट ट्राइंगल है ये, तो मैं यहाँ पे दोनों बना देती हूँ कि ये दोनों जो है वो राइट ट्राइंगल है। ठीक है, ये हो गए डी ई एफ। ओके, इतना क्लियर हो जाता है। दो राइट ट्राइंगल्स तो हैं, ठीक है, जो कि हमने बना दिया। ओके, द हाइपोटेनस और एक साइड, मतलब इस वाले ट्राइंगल की अगर हम बात करते हैं तो ये हो गया आपका हाइपोटेनस ए सी, और एक साइड ये वाली खाली एक साइड। ठीक है, एक ट्राइंगल की इक्वल है इस वाले हाइपोटेनस से, मतलब ये वाला जो हाइपोटेनस है वो इसके इक्वल है, और इसमें से एक साइड जो कि है बी सी जो है वो ई एफ के इक्वल है। तो जब एक राइट हो गया, एक हाइपोटेनस हो गया और एक साइड होगी, जो कि हमारी ऑलरेडी थ्योरम है राइट हाइपोटेनस साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। इससे क्या बोलते हैं कि दो ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रेंट हैं। ये थ्योरम आपको खुद ही बोल रही है कि हाँ ये दोनों कॉन्ग्रेंट हैं। ठीक है, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग, RHS के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, अब लेकिन हम इसमें कोई और कॉन्ग्रेंस रूल लगाकर इसे थ्योरम को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि थ्योरम तो अपने आप ही बोल रही है ना कि हाँ मैं तो ऑलरेडी बता रही हूँ कि ये दोनों चीज़ें हमें गिवन है, ये तीन चीज़ हमें गिवन है जिससे हम बोल सकते हैं कि ये जो है वो कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हम देखो ये वाला जो एंगल हमें गिवन है, ये राइट एंगल हमें गिवन है, तो हम इसको नहीं ले सकते क्योंकि हाइपोटेनस के अकॉर्डिंग हमें दोनों साइड चाहिए होगी। ठीक है, तो इसके अंदर हम कौन सा रूल लगाने वाले हैं, साइड रूल लगाएंगे इसके अंदर, साइड। ठीक है, हम ये रूल इसके अंदर लगाने वाले हैं। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए होगी, हमें एक और साइड चाहिए होगी, मतलब ए बी जो है वो डी ई के इक्वल हमें चाहिए होगी, क्योंकि ये वाला जो है हाइपोटेनस है उसका जो बेस है, ये दोनों तो इक्वल हैं ये दोनों ट्राइंगल्स के, अब हमें ये वाली साइड भी हमें इक्वल चाहिए होगी। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, हम इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम सबसे पहले हम इसके अंदर यूज़ करेंगे, उसके बाद जब हमारी ये वाली दोनों साइड जो है वो इक्वल आ जाएगी, ये वाली साइड जो है वो इक्वल आ जाएगी, तो उसके बाद हम दोनों ट्राइंगल्स करेंगे कॉन्ग्रेंट प्रूव बाय SSS से। ठीक है, इतना क्लियर हो जाता है। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर लिखती हूँ गिवन, कि हमें गिवन क्या क्या है। ठीक है, गिवन है कि दो राइट ट्राइंगल्स हैं, कि ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ। ठीक है, सच दैट, इसके अंदर क्या गिवन है, सच दैट कि हमें गिवन है इसके अंदर एंगल बी जो है वो एंगल ई के इक्वल है। ठीक है, आप इसके अंदर एस ए एस लगा सकते हो, बट मैं एस 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 का इसके अंदर यूज़ करूँगी। ओके, ठीक है, तो ये दोनों हमें कितने गिवन है, 90 डिग्री के गिवन है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया, और हमें क्या गिवन है, ए सी जो है वो डी एफ के इक्वल है, डी एफ के इक्वल है, और हमें क्या चीज़ गिवन है कि बी सी जो है वो इक्वल है ई एफ के। ठीक है, बी सी जो है ई एफ के इक्वल है। ओके, ये चीज़ हमें गिवन है। प्रूफ क्या करना है हमें, दोनों ट्राइंगल्स को प्रूफ करना है हमें, टू प्रूफ कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है, तो चलो प्रूफ करते हैं। ठीक है, प्रूफ करते हैं। ओके, मैंने आपको बताया कि पाइथागोरस थ्योरम का हम इसके अंदर यूज़ करेंगे, तो सबसे पहले इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और फिर इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ओके, तो मैं लेती हूँ पहले इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम इसके अंदर हम यूज़ करेंगे। ओके, वो क्या होता है कि हाइपोटेनस क्या है, इसके अंदर ए सी है, मतलब ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसका बेस जो है वो है हमारा बी सी, प्लस इसकी जो ऑपोजिट साइड होती है वो, दैट इज़ ए बी।
ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर, ये स्क्वायर में होता है, तो मतलब हाइपोटेनस इज इक्वल टू द साइड और द बेस। ठीक है, तो ये हमारी निकल जाती है फर्स्ट। ओके, अब इस ट्राइंगल का भी हम करते हैं कि इन ट्राइंगल डी ई एफ बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, मैंने यहाँ पर सिंपल पी टी लिख दिया, आप समझ जाना पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो ये पाइथागोरस थ्योरम इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग क्या है, डी एफ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी ई अपॉन ई एफ। ठीक है, डी एफ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी ई का स्क्वायर प्लस ई एफ का स्क्वायर। ठीक है, इतना क्लियर हो जाता है। ऊपर ऊपर हमने एक चीज़ और बात की है कि जो डी एफ है, जो डी एफ है वो किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है। ठीक है, तो मैं यहाँ डी एफ की जगह लिख सकती हूँ ए सी का स्क्वायर। ठीक है, ऊपर तो ऐसा कुछ था नहीं, तो इसी वजह से क्योंकि हमें ए सी चाहिए, ए सी का हाइपोटेनस हमें गिवन है, तो दैट मीन्स कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं डी एफ की जगह कि ए सी लिख सकते हैं हम, और ऐसे ही हम ई एफ की जगह हम बी सी लिख सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो हम वही चीज़ में लिखते हैं कि ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी ई, तो हमें चाहिए ना डी ई और ए बी को, तो हमें इक्वल करना है, इसको ही नहीं लाना है हमें बिल्कुल भी, प्लस प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ई एफ, बी सी का स्क्वायर हमने लिख दिया। ये हमने सेकेंड इक्वेशन बना दी, और मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि ये चीज़ क्यों हुई है, क्योंकि ऊपर था कि डी एफ जो है वो ए सी के इक्वल है और बी सी जो है वो ई एफ के इक्वल है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट और इक्वेशन से इन दोनों इक्वेशंस को हम करेंगे प्लस। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अब फर्स्ट देखो, दोनों ही ए सी के इक्वल है, तो इन दोनों को हम करेंगे एक दूसरे के इक्वल, कि ए बी का जो स्क्वायर है प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी ई का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब आप देखो इसके अंदर दो चीज़ इसमें कॉमन दिख रही है आपको, बी सी बी सी, तो बी सी को कर दो बी सी से कट, बचा क्या आपके पास, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी ई का स्क्वायर। अब स्क्वायर को दोनों हटा दोगे तो क्या आ जाएगा, ए बी इज इक्वल्स टू डी ई, और यही चीज़ हमें ऊपर सबसे पहले बतानी थी कि हमें इस वाली साइड को करना था इक्वल। ठीक है, हमें क्या इक्वल, मैंने आपको बताया था कि ए बी साइड को जो है वो डी ई के इक्वल करना है, क्योंकि हम साइड 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 का इसके अंदर हम यूज़ करने वाले हैं। ओके, हमें ये चीज़ चाहिए थी, अगर हम साइड एंगल साइड करते तब भी हमें ए बी जो है वो डी ई के इक्वल चाहिए था, क्योंकि साइड एंगल बीच में आ रहा है और ये वाला साइड, तब भी हमें ये चीज़ चाहिए होती है। हम ऐसा तो कर नहीं सकते ना कि साइड साइड एंगल, नो, हम साइड साइड एंगल का यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हमें चाहिए होगा साइड एंगल साइड, तो आप साइड एंगल के लिए इसका ही साइड निकालना ही पड़ता आपको। ठीक है, तो साइड 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 मेरे लिए ज़्यादा आसान रहेगा तीनों लिखना, तो मैं वही चीज़ मैं करूँगी। ठीक है, ये चीज़ हमने कर दी। अब दोनों ट्राइंगल्स को करते हैं कॉन्ग्रेंट प्रूफ। मैं यहीं पे इसका प्रूफ कर देती हूँ कि इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, क्लियरली दिख रहा है आपको। ओके, ठीक है, अब हम क्या बोलेंगे कि हमने अभी अभी प्रूफ कराया कि ए बी जो है वो इक्वल है डी ई के, इस वाली साइड के इक्वल है। ये क्या चीज़ हमने प्रूफ करा है कि मैं लिख दूंगी प्रूव्ड अबव। ठीक है, मैं लिख देती हूँ प्रूव अबव। ओके, अब क्या इक्वल है, ए सी जो है वो इक्वल है डी एफ के, ये चीज़ क्या हमें गिवन है, और ये वाली साइड भी ले लेते हैं कि बी सी जो है वो इक्वल है ई एफ के, ये भी चीज़ क्या हमें गिवन है। तो साइड 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 ये चीज़ इसके अंदर यूज़ हो रहा था। मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंस टू ट्राइंगल डी ई एफ बाय साइड 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 कॉन्ग्रेंस रूल। ठीक है, इतना क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो ये थी बहुत सिंपल थ्योरम। हमने क्या करा, इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम का हमने सबसे पहले यूज़ किया है, पाइथागोरस से हमने एक साइड निकाल ली है, साइड इक्वल आ गई, तो हमने इसे कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिया। कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना तो सबको आता ही है, वो तो अब तो रट गया होगा यार कि कैसे कॉन्ग्रेंट प्रूफ करते हैं। ठीक है, कि साइड 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 एंगल साइड ऐसे ऐसे देख देख के आप कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे होती है 7.5 थ्योरम ख़त्म। इसके बाद हम करेंगे एग्जांपल 7 और 8, जो कि इससे रिलेटेड एग्जांपल गिवन है, आपको और अच्छे से ये वाली थ्योरम क्लियर हो जाएगी उससे। फिर एक्सरसाइज करने के बाद, सॉरी, एग्जांपल करने के बाद हम 7.3 एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको क्लास 9th की इंग्लिश, मैथ्स और साइंस पढ़नी हो तो इस चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।